इन साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, बीपीएससी और सीडीपीओ को लेकर महत्वपूर्ण सूचना है, इसलिए हम ऑफिस से बाहर होने के बावजूद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। आपसे बता दूं कि कोरोना और बिहार का जो 10th और 12th का एग्जाम है, इन सारे चीज़ों को लेकर और आपका जनसंख्या पिछला साल से 1.5 लाख बढ़ गया है, बहुत सारा समस्या को देखते हुए, चूंकि जब समय पर आपके लिए विद्यालय नहीं मिल रहा था, इस सारी चीज़ों को लेकर बीपीएससी का एग्जाम, ये अभी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आप ये इसको नोट कर लें, ये 100% यहीं रहेगा। 17 अप्रैल 2022 को बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा और 67वीं का और 66वीं का रिजल्ट जो आने वाला है मेंस का, अब तक आ जाता, लेकिन कुछ अधिकारी कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, जिसके कारण उनको कोरोना हो गया है, जिसके कारण लास्ट जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा मेंस का। और सीडीपीओ का एग्ज़ाम आपका होगा 24 अप्रैल को सीडीपीओ का, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला साल भी पहले बीपीएससी का लिया गया था, उसके जस्ट एक सप्ताह बाद सीडीपीओ का लिया गया। इस बार भी वही कंडीशन होगा कि पहले 67वीं बीपीएससी पीटी होगी, कब होगी तो 17 अप्रैल को होगी, और उसके बाद सीडीपीओ का एग्ज़ाम होगा उससे एक सप्ताह बाद, यानी कि 24 अप्रैल को सीडीपीओ होगा और उसके बाद उससे पहले एक सप्ताह 67वीं बीपीएससी पीटी होगी। और आपसे बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट करें। दूसरी बात बता दें कि यदि